एक बार हार जाने के बाद तुम दोबारा कोशिश करने से कभी मत घबराना दोस्त, क्योंकि इस बार शुरुआत सुनने से नहीं अनुभव से होगी। मुझे वक्त ने फंसाया जरूर है, लेकिन मैं परेशान नहीं हूँ। एक हार से हार मान कर बैठ जाऊँ मैं वो इंसान नहीं हूँ। मेरे दोस्त तुम्हें बेसब्री से इंतजार है ना उस दिन का, जब तेरे ख्वाब तेरी आंखों के सामने हकीकत में बदलेंगे। तुम्हें अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने के लिए मेहनत करनी होगी दोस्त। इस दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो असंभव है। अगर आपने ठान लिया तो असंभव को संभव में बदल सकते हो। यदि आपसे कोई कहे कि तुम ये नहीं कर सकते, और यदि तुम उसकी बातों को मान लेते हो कि मैं ये नहीं कर सकता, तो तुम कितने भी पावरफुल इंसान क्यों ना हो, सच में तुम वो नहीं कर सकते, क्योंकि तुम काम शुरू करने से पहले ही हार मान चुके हो। कोई कुछ भी बोले दोस्त, तुम्हें डिमोटिवेट करे, इन सब बातों पर तुम्हें कोई ध्यान नहीं देना है। तुम्हें खुद से ये बोलना है कि जो मैं सोच सकता हूँ वो मैं कर सकता हूँ। तुम्हारा हमारा सभी का जीवन मुसीबतों से भरा हुआ है। इन समस्याओं से कितने दिन बचोगे, तुम्हें एक न एक दिन सामना करना ही पड़ेगा। इस दुनिया में नामुमकिन कुछ भी नहीं है दोस्त, और नामुमकिन तब हो जाता है तब हम ये मान लेते हैं कि नामुमकिन है। आज से कई वर्ष पहले ये किसी ने नहीं सोचा था कि हमारे रिलेटिव हमसे हजारों किलोमीटर दूर हैं और हम उनसे बात कर सकें। हम सभी ने सोचा था कि ये असंभव है, लेकिन एक इंसान ने सोचा कि ऐसा संभव है। इस असंभव जैसे काम को उसने अपनी मेहनत और लगन से संभव में बदल कर दिखाया। तो हम क्यों नहीं कर सकते दोस्त? तुम हार्ड वर्कर बनो, तुम्हें अपनी मौज मस्ती, घूमना फिरना कुर्बान करना होगा अपने कल को बेहतर बनाने के लिए। तुम अपने वक्त को बर्बाद मत करो, तुम्हें अपने पढ़ने का समय निर्धारित करना होगा, एक्सरसाइज का समय फिक्स करो और अन्य कामों का भी समय फिक्स करो, और असंभव को संभव करने के लिए मेहनत करना शुरू कर दो दोस्त। कुछ अपने टैलेंट के आधार पर जो तुम बनना चाहते हो, एक खिलाड़ी, एक अधिकारी या फिर एक बिजनेसमैन, तुम एक सफल आदमी बन सको ताकि लोग तुम्हारी मिसाल दें और लोग तुम्हारा जैसे बनने का प्रयास करें। लोग यहाँ दुनिया के उजाले में आसान कामयाबी ढूंढते हैं, गिरकर उठना उन्हें सही नहीं लगता क्योंकि वो गिरने से डरते हैं। तुम काली रातों में अपने हौसलों के ईंधन से खुद को तपाकर अपने भविष्य को चमका सकते हो। तुम्हारे सफल होने के बाद कुछ लोगों को लगेगा कि यह तुम्हारा लक है जिससे तुम सफल हुए हो। उन्हें यह नहीं दिखाई देता कि इस सफलता के पीछे मेरी जिद, मेरी मेहनत, मेरे अपने ख्वाबों को पाने की चाह जो इन्हें दिखाई नहीं देती। आलसी लोग बस जादुई पल का इंतज़ार करते हैं, काश अचानक ऐसा हो जाता और उन्हें वो सब कुछ मिल जाता जो वो पाना चाहते हैं। बस एक चीज़ है जो वो लोग नहीं करना चाहते, वो है मेहनत। वो लोग मेहनत से पीछे भागते हैं। मैं नहीं चाहता कि तुम भी ऐसा करो, तुम उनसे अलग होकर अपने सपनों के लिए कठिन मेहनत करो। बस तुम खुद से ये कहो कि मुझे किसी के अटेंशन की ज़रूरत नहीं है, मैं बस अपनी मेहनत से खुद को बेहतर करना चाहता हूँ और मैं खुद को बेहतर बनाने का प्रयास करता रहूँगा। और तुम कुछ दिनों के लिए खुद को हाइड कर लो और अपने सपनों से कुछ दिनों के लिए दोस्ती कर लो, और तुम अपने ख्वाबों की एक ऐसी दुनिया बनाने में लग जाओ दोस्त जो तुम्हें एक दिन सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचा दे। कामयाबी कोई किसी को नहीं देता और ना ही ये मिलती है, कामयाबी हासिल की जाती है दोस्त कड़ी मेहनत के दम पर। मेरे दोस्त, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।